प्रिंस अबनानी, कक्षा 6वीं। आज का मेरा विषय है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य, जाति, अमेरिका, भारत, स्थान, बचपन, मिठास, भाव, किताब, टेबल, वस्तु आदि। भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया। दूसरा, जातिवाचक, जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, निरिमा और अरिमा में गहरी मित्रता है। धन्यवाद।